बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं डेट एंड आलमंड केक, जिसके लिए 3/4 कप मैंने सॉफ्ट खजूरें ली हैं, इनकी गुठलियाँ निकाल के तो मैंने इनको अच्छे तरीके से वाश कर लिया है। 1/2 कप हम इसमें पानी का शामिल करते हैं, 1/4 कप इसमें दूध शामिल करते हैं, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा शामिल करते हैं। अब खजूरों को अच्छे तरीके से मैश करके तो हम इसमें पका लेते हैं। देखिए खजूरें हमने अच्छे तरीके से मैश कर ली हैं, अब फ्लेम ऑफ करते हैं, इसको थोड़ा सा ठंडा करते हैं, फिर ब्लेंडर में डालते हैं। ये खजूरें हल्की सी ठंडी होगी, इसको हम ब्लेंडर में डालते हैं। 1/2 कप कुकिंग ऑयल, 1/3 कप ब्राउन शुगर, 1/2 कप दूध। इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेते हैं। तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लिया, अब इनको हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। इसमें शामिल करते हैं 1/2 कप मैदा, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1 पिंच नमक, 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/4 कप कोको पाउडर शामिल करते हैं। तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। तमाम चीज़ें हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर ली हैं, अब इनको हम मोल्ड में डालते हैं। मोल्ड को हमने ऑयल लगा के मैदे से अच्छे तरीके से डस्ट कर लिया है, अब ये बैटर जो हमने तैयार किया है इसमें शामिल करते हैं। इसको अच्छे तरीके से टैप करते हैं, अगर कोई बबल्स वगैरह है तो वह निकल जाए। 1 टेबल स्पून मोटे कटे हुए बादाम हम इसके ऊपर डालते हैं, 1 टेबल स्पून चॉकलेट चिप है मेरे पास, ये भी इसमें शामिल करते हैं। आलमंड एंड डेट केक हमारा बेक होने के लिए रेडी है, अब इसको 30 से 35 मिनट के लिए हम बेक करते हैं। माशाल्लाह से ज़बरदस्त सा केक जो है वो बेक हो गया है, अब इसको मोल्ड में से निकालते हैं और कट करके आपको दिखाते हैं। छुरी की मदद से इसके किनारे जो है वो लूज कर लेते हैं। माशाल्लाह से ज़बरदस्त बिल्कुल सॉफ्ट आलमंड डेट केक हमारा जो तैयार है, अगर मैं इसका पीस काट के आपको दिखाऊं, देखिए माशाल्लाह से किस कदर सॉफ्ट केक जो है वो तैयार हुआ है। चलिए जी माशाल्लाह से ज़बरदस्त, देखिए स्पंची केक हमारा जो तैयार है, अभी बहुत गर्म है, इसको 10 मिनट के लिए हम फ्रिज में रखते हैं, रूम टेम्परेचर पे आएगा तो फिर इसको सर्व करेंगे। उम्मीद है आपको हमारी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।